शुभमन गिल ने देवधर ट्रॉफी में रचा इतिहास, तोड़ा कोहली का 10 साल पुराना रिकॉर्ड। टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने सोमवार को देवधर ट्रॉफी में इतिहास रच दिया। इंडिया सी की कमान संभालने वाले 20 वर्षीय गिल ने देवधर ट्रॉफी में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का 10 साल पुराना रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। शुभमन देवधर ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया सी टीम की कप्तानी करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। बता दें कि विराट कोहली ने देवधर ट्रॉफी के 2009 से 10 में नॉर्थ जोन की तरफ से कप्तानी की थी। उस समय विराट की उम्र 21 साल और 124 दिन थी। वहीं शुभमन गिल ने यह कमाल 20 साल और 57 दिनों की उम्र में किया है। गौरतलब है कि इंडिया बी ने शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया सी को फाइनल में 51 रन से हराकर देवधर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इंडिया बी की तरफ से केदार जाधव 86, यशस्वी जायसवाल 54 ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं गेंदबाजी में शाहबाज नदीम ने बेजोड़ प्रदर्शन किया। उन्होंने 10 ओवर में 37 रन देकर 4 विकेट झटके। रांची के जेसीए स्टेडियम में खेले गए इस खिताबी मुकाबले में इंडिया बी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 283 रन बनाए। जवाब में इंडिया सी की टीम पूरे 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 232 रन ही बना सकी और मैच हार गई। देवधर ट्रॉफी में कप्तानी करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कप्तान उम्र टीम सीजन शुभमन गिल 20 साल 57 दिन इंडिया सी 2019 से 20 विराट कोहली 21 साल 124 दिन नॉर्थ जोन 2009 से 10 उन्मुख चंद 22 साल 314 दिन इंडिया बी 2015 से 16 श्रेयस अय्यर 23 साल 92 दिन इंडिया बी 2017 से 18 मनोज तिवारी 23 साल 124 दिन ईस्ट जोन 2008-09 कपिल देव 23 साल 305 दिन नॉर्थ जोन 1982-83